अगली खबर है छात्रों को लेकर, जहां आज के मोबाइल के युग में युवा एवं छात्र किताबों से दूर होता जा रहा है। विश्व की कोई भी जानकारी एक मोबाइल क्लिक से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन मोबाइल की जानकारी परिपूर्ण नहीं होती। कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पुस्तकों का सहारा लेना होगा। युवाओं एवं छात्रों का दिन प्रतिदिन किताबों से दूर होने का कारण यह भी कह सकते हैं कि आज रचनाकार एवं साहित्यकार अच्छा साहित्य नहीं लिख रहे हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद एवं दिनकर जी की किताबें आज भी लोग बड़ी रुचि के साथ पढ़ते हैं। उक्ताशय के विचार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कन्या महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित विश्व रंग पुस्तक यात्रा का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर विश्व रंग पुस्तक यात्रा का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से जिले में कन्या विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कन्या महाविद्यालय में पहुंच मार्ग की मरम्मत, ऑडिटोरियम की साज सज्जा करने तथा महाविद्यालय के उन्नयन के प्रयास करने की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि युवा एवं छात्रों को पुस्तकों को अपना मित्र बनाना चाहिए। पुस्तकों से पर्यावरण, हमारी संस्कृत, इतिहास, भूगोल का ज्ञान तो मिलता ही है। पुस्तकों की सहायता से ही स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए क्रांतिकारियों एवं सेना नायकों की भी जानकारी प्राप्त होती है। कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने विश्व रंग पुस्तक यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भारत एवं अन्य 50 देशों से पुस्तक यात्रा निकाली जा रही है। हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड सहित 11 स्थानों से 100 जिलों, 20 विकास खंडों एवं 500 ग्राम पंचायतों से पुस्तक यात्रा निकाली जाएगी। पुस्तक यात्रा के समापन पर भोपाल के मिंटो हॉल में 50 राष्ट्रों को साहित्यकार एवं प्रतिनिधियों का समागम होगा। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी डॉक्टर मुकेश एंगल ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर ज्योति सिंह, रचना श्रीवास्तव, प्रवीण तिवारी, मुकेश पांडे, एनएम द्विवेदी, वरुण शुक्ला सहित महाविद्यालय के प्रोफेसर उपस्थित थे।